डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये एक ऐसा नाम है जिनके बगैर हमारे देश का संविधान अधूरा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक वही इंसान है जिन्होंने हमारे देश के संविधान को कई सालों की मेहनत के बाद बड़े ही अच्छे तरीके से लिखा, जिसमें उन्होंने हर किसी इंसान को, देश में रहने वाले हर एक वर्ग के लोगों को बराबरी का हिस्सा दिया, जिससे हमारा देश आगे चलकर तरक्की करे। आज 14 अक्टूबर, आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि में अपने कई अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा को अपनाया था। उनके साथ ही कई हजारों, कई लाखों की तादाद में लोगों ने धम्म दीक्षा ली थी और खुद बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी धम्म दीक्षा ली थी। तो आज इस 14 अक्टूबर के दिन, जहां पूरे नागपुर शहर नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में इस दिन को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, स्पेशली नागपुर के दीक्षा भूमि में लोगों की काफ़ी भीड़ नज़र आती है, जो कई अलग अलग राज्य से बल्कि अलग अलग देशों से भी इस दिन को याद करने के लिए दीक्षा भूमि आते हैं। तो इसी के चलते हम आज नागपुर से 20 किलोमीटर पहुँचे हैं चिंचोली में, जहां आज भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वो चीज़ें संग्रह करके रखी गई है जिनको बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस्तेमाल किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर की जो भी चीज़ें रखी हुई है वो आज भी हमें उनसे प्रेरणा देती है। आज हम आपको बाबा साहेब अम्बेडकर की उन्हीं चीज़ों को दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो इस संग्रहालय में, जैसे कि आप मेरे पीछे ही देख सकते हैं, इस स्तूप को देखिए, कितनी ही खूबसूरती से यहाँ का हर एक स्तूप बना हुआ है। तो आपको हम सबसे पहले लेकर चलते हैं, एक यहाँ की झलक दिखाते हैं, ताकि आप घर बैठे इस दिन पर बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़ी कई चीज़ों को और इस स्तूप कर नज़ारे देखें। फिर इसके बाद हम आपको सीधे ले चलेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर की उन चीज़ों को दिखाने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ की झलक और फिर देखते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की उन चीज़ों को। शांति।
तभी हमें संग्रहालय में मौजूद है जहाँ हम देखने आए हैं बाबा साहेब अंबेडकर की उन चीज़ों को जिन चीज़ों को बाबा साहेब अंबेडकर ने इस्तेमाल किया था। पर अभी हम आपको सिर्फ तस्वीरें ही दिखा सकते हैं क्योंकि जो चीज़ें बाबा साहेब अंबेडकर ने इस्तेमाल की थी, उनकी जो पोशाक थी, उनकी सारी चीज़ें, उसको लेबोरेटरी भेजा गया है ताकि उन चीज़ों को आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए संग्रह करके रखा जाए, क्योंकि काफ़ी साल हो चुके हैं और कपड़ों की चीज़ें खराब होने लगती है। बट उसे लेबोरेटरी भेजा गया है ताकि उसका केमिकल प्रोसेस करके उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली कई नस्लों के लिए उसे महफूज करके रखा जाए ताकि लोग देखें उससे और उसे प्रेरणा लें। तो अभी हम आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो बाबा साहेब अम्बेडकर की अस्थियाँ है, हम उसकी एक झलक दिखा सकते हैं। तो आप भी देखिए, ये वही अस्थियां है जो असल बाबा साहेब अंबेडकर की अस्थियां यहां पर मौजूद है। हर साल ही नहीं बल्कि कई लोग हमेशा यहां पर आते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं और यहां पर एक शांति का प्रतीक मानते हैं इस जगह को। कई लोग आते हैं यहां पर, इन चीज़ों को देखते हैं, इन चीज़ों से प्रेरणा लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर बाबा साहेब अंबेडकर के कुछ कपड़ों की तस्वीरें हैं, जो कि कपड़े अभी लेबोरेटरी जा चुके हैं तो हम सिर्फ तस्वीरें ही देख सकते हैं। तो देखिए, अभी फ़िलहाल कई साल हो चुके हैं बट अभी भी ये अच्छी हालत में है, लेकिन आगे चलकर भी ये कपड़े ख़राब ना हो इसलिए इसे लेबोरेटरी भेजा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये काफ़ी पुराने पेपर है उस ज़माने में जब बाबा साहेब अम्बेडकर हुआ करते थे। ये बाबा साहेब अंबेडकर के मृत्यु दिवस का पेपर है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरे ही भारत में बाबा साहेब अंबेडकर की मृत्यु के बाद एक शोक काफ़ी महीनों तक, काफ़ी सालों तक देखने को मिला था। ये वो चीज़ें हैं जो बाबा साहेब अंबेडकर के घर की वस्तुएं हैं जिन्हें उनका परिवार वो इस्तेमाल किया करते थे। ये सारी चीज़ें इस संग्रहालय में मौजूद है, कुछ दिनों में वो चीज़ें सारी यहाँ पर दोबारा से आ जाएगी। तो फ़िलहाल हम यहाँ तस्वीरें ही देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं बाबा साहेब अंबेडकर की, उनके साथ जिन लोगों ने धम्म दीक्षा ली, जो उनके अनुयायी थे, उन सब की फ़ोटो, उनके साथ बाबा साहेब अंबेडकर भी मौजूद है। ये बाबा साहेब अंबेडकर का बैग है जिसमें वो अपने डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखा करते थे, ये भी यहाँ पर मौजूद है। आने वाले समय में जब लेबोरेटरी से ये लिक्विड में डुबोकर अपना सारा प्रोसेस पूरा कर आएंगी तब ये और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी और सालों दर साल यह और भी लोगों को प्रेरणा दे सकेगी। ये सारे जो कपड़े आप देख रहे हैं, ये खुद बाबा साहेब अंबेडकर के कपड़े हैं जिन्हें वो पहना करते थे। ये कोट जिन पर बाबा साहेब का एक ही ड्रेस होता था, कुर्ते पर काला ब्लेज़र, बिल्कुल एक बैरिस्टर की तरह। यहाँ पर कई सारे पेपर भी मौजूद है। यहाँ पर देखिए, बोधि धर्मन का एक चित्र है जिसे कहा जाता है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने हाथों से बनाया था। यह बाबा साहेब अंबेडकर की कैप है और ये उस दिन का पेपर है जिस दिन बाबा साहेब अंबेडकर की मृत्यु हो गई थी। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोगों की, लाखों की भीड़ें जमा हुई थी बाबा साहेब अंबेडकर के दाह संस्कार के लिए। आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ दिखाते हैं जो अभी इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी एक तस्वीर है। आप जहाँ मेरे सामने देख ही सकते हैं, ये वो टाइपराइटर है जिससे बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने हाथों से 2 साल 11 महीने और कुछ दिनों के अंदर हमारा पूरा संविधान लिखा था और इसी से बुद्ध और उनका धर्म भी टाइप किया गया था। ये आज भी इस संग्रहालय में मौजूद है, पर अभी इसके और भी तहफ़ के लिए ये भी लेबोरेटरी गया हुआ है, पर जब भी आएगा तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको खुद वो दिखाएं। मेरा नाम बालक दास दाजी बाम मोटगर है, मैं नागपुर से हूँ, दिघोरी एरिया
गारगोटी एरिया से हूँ मैं। तो आप यहाँ पर जब भी आते हैं आपको क्या महसूस होता है? बहुत बढ़िया महसूस होता है, अच्छा लगता है कि बाबा साहब अपने लिए इतना काम किया है, तो बहुत अच्छा हमें सुन के और देखने के बाद में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ आज देखने के बाद में और दिल को ऐसा फील होता है कि बहुत हमारा जो मसीह है वाकई हमारे लिए बहुत किया है, और आज उनके नाम तो लेते ही हैं और लेते रहेंगे आखिरी तक। कपड़े जो है हमने पहली बार आया था उस समय कपड़े देखा था, तो उस समय अच्छे ओरिजिनल्स थे, अभी वो कैसा है ऐसे जैसे लोगों के हाथ लगते तो वो थोड़ा सा खराब होते हैं, तो उसको केमिकल के लिए शायद डाल दिया है। उनके जो देखकर मैं ऐसे लगा कि देखो हम क्या थे उस समय में और आज क्या है, बाबा साहब के वजह से ही आज अपने को जितना सारा कुछ मिला है वो उन्हीं के वजह से मिला है। आज अपन जो पढ़ाई कर रहे, शिक्षा ले रहे, सभी इसमें स्वतंत्रता जो मिली है वो सभी बाबा साहब के वजह से है, नहीं तो ये लोग तो अपने को तो वैसे भी दूरी रखना चाहते थे और आज भी वही रखना चाहते हैं, फिर भी अपन बहुत सदृढ़ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। माझे नाव श्रीलंका विजय मिश्रा आहे, मी नागपूर वरून आली आहे, पवनपुत्र नगर वरून दिगोरी। इथे येऊन मला खूप चांगलं वाटत आहे, म्हणजे माझ्या मनाला इतकं सुंदर असं वाटत आहे ते मी सांगू नाही शकत। जे काही बाबासाहेबांना आमच्यासाठी केलं ते कधी विसरणार नाही आहे, ते अमर आहे, त्याच्याबद्दल मला खूप अभिमान आहे त्यांच्याबद्दल। आणि त्याच्यामुळेच सगळं काही हे होऊ शकतं, जिथं तिथं महिलांना किंवा मुलींना वगैरे जे काही मिळते ते सगळ्यांना अधिकार, ते आम्हाला खूप हे आहे, आम्ही त्यांचे खूप खूप ऋणी आहोत। आणि इथं येऊन मला जे बाबासाहेबांचे कपडेसुद्धा पाहायला मिळाले नव्हते आजपर्यंत, ते पाहायला मिळाले, त्याच्याबद्दल मला खूप चांगलं वाटत आहे। आणि त्यांचे जे काही वस्तू आहेत इथे आणि चांगल्या पद्धतीने इथे ठेवलेले आहेत, जोपासून असेच ठेवलेले आहेत, आम्ही पण पाहू शकतो, मी पण इथं पहिल्यांदाच आलो, आम्ही पण पाहू शकतो, येणाऱ्या पिढी ते पण पाहू शकतात इथं येऊन सणारी, त्याच्याबद्दल छान वाटत आहे खूप। सबको सप्रेम जय भीम। आज 14 अक्टूबर के दिन हम चिचोली में आए हैं, ये एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक म्यूज़ियम है, यहाँ पे जो भी उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल की वो सब यहाँ पे रखी हुई है, एक टाइप का संग्रहालय है, उनके सारी चीज़ें यहाँ पे केमिकल प्रोसेस द्वारा करके यहाँ पे सब आगे की पीढ़ी आगे की जनरेशन भी देख पाए, इसलिए यह सब रखा हुआ है। उन्होंने क्या किया है हमारे यूथ जनरेशन के लिए, लड़कियों के लिए, और सब कैसे इंडिपेंडेंट रह पाए, ये सब के लिए उन्होंने जो भी प्रयास किए हैं उन सब की यहाँ पे एक छाप देखने को मिलेगी। सो जिनको भी विजिट करना है सो प्लीज़ कीजिए, यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिलेगी डॉक्टर साहब अम्बेडकर के बारे में, जिन्हें कुछ शायद थोड़ा बहुत ही पता है उन्हें भी पता चलेगा। सो प्लीज़ यहाँ पे विजिट कीजिए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, थैंक यू, सबको जय भीम। तो अभी हमारे साथ इस संग्रहालय के एक कार्यकर्ता मौजूद है जो यहाँ की सारी चीज़ों की देखरेख करते हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की सारी चीज़ें कहाँ गई है और वो कब तक आएगी और कब तक लोगों को देखने को मिलेगी। नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। मेरा नाम प्रवीण पाटिल है। यहाँ की जो सारी चीज़ें है जो बाबा साहब की ओरिजिनल थी वो अभी फिलहाल में केमिकल ट्रीटमेंट के लिए जा चुकी है, क्योंकि बहुत समय से ये खराब हो रही थी और दीमक लग रही थी, ये नष्ट ना हो इसलिए केमिकल ट्रीटमेंट का काम चल रहा है, तो अभी बहुत ही जल्दी यहाँ पर ये ओरिजिनल चीज़ें फिर से आ जाएंगी। हमने देखा कि सारे परिसर में काम शुरू, ये काम कब से शुरू है और क्या कब तक पूरा होगा? जो परिसर में जो बाहर जो काम चल रहा है ये अभी तकरीबन 2 से 2.5 साल के तक इसमें हो जाएगा ये काम। हर साल या लोग रोजाना कितनी संख्या में आते हैं यहाँ पर इन चीज़ों को देखने के लिए, उन्हें कैसा लगता है? यहाँ पर कम से कम दिन भर में 500 से 600 डेली लोग आते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी आते हैं, और यहाँ पर आगे यहाँ से जो लोग आते हैं जो प्रेरणा लेके जाते हैं बाबा साहब की चीज़ों को देख के महसूस होते हैं, तो बहुत जगह से आते हैं, कभी बहुत राज्यों से आते हैं, अलग अलग राज्यों से, देश विदेशों से भी आते हैं, तो यहाँ से एक बाबा साहब की प्रेरणा लेके जाते हैं कि बाबा साहब के जीवन कार्य में उनका कैसा रहन सहन था और उनके विचारों पे क्या चीज़ें रखी गई है, तो हमको वो प्रेरणा मिलके हम यहाँ से लोग लेके जाते हैं और भावुक होके जो नया काम भी बन रहा है उसकी भी सराहना कर रहे हैं वो।
कभी आपने संग्रहालय में रखी बाबा साहेब आम्बेडकर की उन सारी चीज़ों की तस्वीरें देखी? क्योंकि हमें वो चीज़ें खुद एक्सपीरियंस करने को नहीं मिली, क्योंकि वो लेबोरेटरी गई है अपने केमिकल प्रोसेस के लिए, ताकि आने वाली कई पीढ़ी दर पीढ़ी उन चीज़ों को देखे, वो ख़राब ना हो। इसलिए अभी फिलहाल हमने उन तस्वीरों को ही देखा, आगे चलकर कभी हम उन चीज़ों को खुद आपके सामने ज़रूर दिखाएंगे। जिस तरह आपने यहाँ पर हर चीज़ों को देखा, यहाँ के नज़ारों को देखा कि कितनी खूबसूरती से, यहाँ पर और भी काम अभी तक जारी है। इस संग्रहालय को और भी खूबसूरत बनाने के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर की यादों को और भी पीढ़ी दर पीढ़ी बताने के लिए लोगों को कि बाबा साहेब आम्बेडकर से जुड़ी हर चीज़ों को यादगार बनाया जा सके और पर्यटक यहाँ पर काफ़ी आए और उन चीज़ों को देखे और यहाँ के परिसर की खूबसूरती देखे और हर एक बाबा साहेब आम्बेडकर की बताई हुई सीख, उनके बताए हुए बोल को समझ सके और उनसे प्रेरणा ले सके। तो ये थी हमारे नागपुर से 20 किलोमीटर चिचोली में, जहाँ बाबा साहेब आम्बेडकर की चीज़ों का एक संग्रहालय बना हुआ है। तो ये थी हमारी चिचोली से ग्राउंड रिपोर्ट। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ मैं अक्षा वहीद अंसारी, महाराष्ट्र टीवी 24 चिचोली से। लोंदे ज्वेलर्स लाए हैं ओल्ड गोल्ड ऑफर, जहां अपने ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करिए 0% डिडक्शन के साथ। विजिट बाजार रोड, गोकुलपेट और मोदी नंबर 2 सीता बर्डी। दुबई में हाई सैलरी जॉब के साथ ब्यूटी इंडस्ट्री में बनाए एक सक्सेसफुल करियर ISAS इंटरनेशनल ब्यूटी स्कूल, जो है दुबई हेल्थ अथॉरिटी अप्रूव्ड, जो आपको मेकअप फील्ड में दिलाएंगे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। यहाँ की टीचिंग मेथड्स एंड यूनिक प्रोटोकॉल्स, स्पा टेक्निक्स, ब्यूटी थेरेपी, हेयर ड्रेसिंग, नेल टेक्निक एंड सैलो मैनेजमेंट से आपके कॉन्फिडेंस को मिलेगा नेक्स्ट लेवल बूस्ट। साथ ही एडमिशन फीस पर पाए 50% डिस्काउंट। कॉल नाउ 9158985007। इस दिवाली के अवसर पर अपने नए घर के सपने को करिए साकार पूजा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ, जो आपके लिए लाए हैं एक खास उपहार। हम बनाते हैं आपके सपनों का घर दिवाली की ढेर सारी बचत और फायदों के साथ। मेरे लेआउट गणेश नगर, नियर नंदन वन एंड आराधना नगर नागपुर स्थित रियांश एनक्लेव, जहां आपके लिए उपलब्ध है 2BHK, 3BHK लग्जरियस फ्लैट्स एंड 5BHK पेंट हाउसेस, वेल फर्निश्ड हाउस, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट से बना स्टाइलिश मॉड्यूलर किचन, बेस्ट लोकेशन, एक्सेलेंट प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, पानी की उच्चतम सुविधा और लिफ्ट फैसिलिटीज के साथ पार्किंग फैसिलिटीज भी उपलब्ध। तो अगर इस धनतेरस को मनाना है और भी खास, तो जुड़िए पूजा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ। हमारा पता शॉप नंबर 3 अनवर आर्केड, अपोजिट सुधांशु हॉल, बीडी पेड रोड, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स एंड बुकिंग प्लीज कॉन्टेक्ट टू राजेश कावरे और 9049165611 पर, या कॉल करें 9325079500 पर।
तो जिस तरह अभी हमने चिचोली में मौजूद बाबा साहेब अम्बेडकर की चीज़ों के संग्रहालय को देखा, वहाँ गए, वहाँ की सारी झलक हमने देखी, तो जैसा कि आपने अभी देखा कि वहाँ पर निर्माण कार्य अभी भी जारी है, तो इस संदर्भ में हमारे साथ संजय पाटिल सर मौजूद है, तो आइए उनसे जानते हैं और वहाँ पर जो और भी चीज़ें बनने वाली है उसके बारे में, ये काम कब से शुरू हुआ है और कब तक ख़त्म होगा, आइए सारी चीज़ें उनसे जानते हैं। सबसे पहले सर दर्शकों का अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय पाटिल है, मैं इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल भारतीय बौद्ध परिषद शांति ओन चिचोली प्रोजेक्ट का कोषाध्यक्ष तथा व्यवस्थापक करके काम भी देखता हूँ इस तरीके से। आपने अभी जो जमीन देखे वो जमीन है 11.5 एकड़, वो तो 57 में ही मातोश्री गोपिकाबाई बाजीराव जी ठाकरे इन्होंने 11.5 एकड़ भूमि डोनेट की थी, तो 11.5 एकड़ भूमि जो 57 में डोनेट की थी 85 से काम चालू है। ये सब दिवंगत धम्म सेनानी वामराव जी गोड़बोली काम देखते थे। 2006 में वो चले गए, 2006 में वो जाने के बाद ये सारा काम अपने कंधे पे आया। इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल भारतीय बौद्ध परिषद के शांतिवन के माध्यम से हम ये सारा काम देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2011 में विदर्भ विकास पैकेज के अंतर्गत 40 करोड़ दिए, तो ये 40 करोड़ जो है इसमें बहुत सारा काम है। एक गेस्ट हाउस की बिल्डिंग है, एक ऑडिटोरियम है, एक बाबा साहब का नवीनतम बिल्डिंग है, धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय हॉस्टल की बिल्डिंग है, हॉस्टल में स्टूडेंट रहेंगे आनापान साथी की बिल्डिंग है, भिक्षु बनने के बाद मेडिटेशन की बिल्डिंग है, उसके बाद में उपासद ग्रह की बिल्डिंग है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाबा साहब की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हुई है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में बाबा साहब ने देश का संविधान बनाए और टाइपिंग मशीन अपने पास रखी हुई है। बाबा साहब जब 10वीं में थे तब उनके पिताजी ने उनको पढ़ाई करने के एक लालटेन दिए थे कंदील, वो कंदील यहाँ पे रखा हुआ है। बाबा साहब ने का कंबल, जब वो चले गए तब उन्होंने कंबल ओढ़ के थे, वो कंबल यहाँ पे रखा है। बाबा साहब की अस्थि यहाँ पे रखी है। जिस भगवान बुद्ध के सामने बाबा साहब नतमस्तक हुए थे उस भगवान बुद्ध की मूर्ति भी यहाँ पे रखी हुई है। बाबा साहब के सबसे ज़्यादा रखे हुए वो है कपड़े। तो ये सारा अभी बाबा साहब का जो सामान है वो केमिकल ट्रीटमेंट के लिए में प्रोसेस है, और ये सारा चीज होना 500 से ज़्यादा चीज़ें रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें केमिकल ट्रीटमेंट के बाद नवीनतम वस्तु संग्रहालय जो हटके बनेगा, जैसे कि बाबा साहब का अपने पास बीसी लंदन को दिया हुआ एक मुलाकात का कोट है, उसमें बाबा साहब जो बोलते हैं, बाबा साहब का एक स्टैचू बनाएंगे, वो कोट बाबा साहब पहनेंगे, और उसमें अपन जैसे ही बाबा साहब के करीब जाएंगे तो बाबा साहब बात करने लगेंगे, आई नेवर कॉल्ड ए महात्मा ओनली मिस्टर, जो भी है बाबा साहब ने जो जिस तरीके से बात की थी वो सारा। एक संगीत में बाबा साहब का स्टैचू बनाएंगे, वो मच्छरदानी है बाबा साहब की, कंबल ओढ़ के देंगे, बेड भरेंगे, बाबा साहब सोए हुए है, हल्का सा संगीत चलेगा, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो इस तरीके से बाबा साहब का सारा सामान और इस तरीके से नवीनतम वस्तु संग्रहालय में रखे जाएगा। तो सर जैसे कि जो दर्शक वहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं, जो अभी दर्शक ये देख भी रहे हैं, तो पहले क्या उन्हें चीज़ें कम दिखाई देने को मिलती थी या उतने अच्छे नज़ारे नहीं थे, और आगे क्या क्या उनको देखने को मिलेगा ये एक बार दर्शकों को बताइएगा। अभी कैसा है, जो बाबा साहब का सामान रखा हुआ है, पहले जो चीज़ें रखी हुई थी बाबा साहब के, तो पूरा बाबा साहब को ओरिजिनल सामान रखा हुआ था, तो बाबा साहब का ओरिजिनल सामान वहाँ पे रखा हुआ था। अभी क्या क्या है, वो सारा सामान अपने केमिकल ट्रीटमेंट के लिए दिए, तो केमिकल ट्रीटमेंट के लिए अभी काम चालू है। इसलिए अपन ने क्या कि बाबा साहब का सामान इस तरीके से है, क्या कि चित्रावली बनाए। अभी जैसे ही सामान केमिकल ट्रीटमेंट से आता है, बहुत से 85% काम हो गया है केमिकल का, 15% काम बैलेंस है। और अभी देखा जाए कि वस्तु संग्रहालय जो है इसका भी कम से 75% काम हो गया है, इंटीरियर का थोड़ा सा काम बाकी है, तो काम अभी चालू जल्दी ही करेगी। जल्दी ही माननीय देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री जी हो गए, इनकी वजह से ही 40 करोड़ का आया, सेंट्रल का भी कुछ 17 करोड़ का निधि आया। जैसे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर निधि देते हैं तो इसके ऊपर जल्दी काम हो जाएगा, और काम होने के बाद जल्दी बाबा साहब को की सारी चीज़ें जो 500 साल उस चीज़ को कुछ भी नहीं होगा, ऐसे इस तरीके से ट्रीटमेंट रख के नवीनतम पद्धति से बाबा साहब की चीज़ों को देखने को मिलेगा, जैसे कि बाबा साहब ऐसा लगेगा बात कर रहे हैं, जीवित है।
सर क्या लगता है ये सारा कार्य कितने दिनों में पूरा कंप्लीट हो जाएगा? ये 2 साल का समय लेके बाबा साहब का जो बचा हुआ वस्तु संग्रहालय का काम है वो निश्चित ही पूरा हो जाएगा। सर आप इस कार्य के एक सदस्य ही है, तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम तो बोलते हैं कि बाबा साहब की सारी चीज़ें देखिए, बाबा साहब 56 में चले गए, 54 में बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का चित्र निकाले, तो उनके बाबा साहब देखिए उसके लिए वो चित्रकला पड़े, कावड़ा निकाले, चिमनी निकाले, कबूतर निकाले, और एक दिन बाबा साहब की उन्होंने तस्वीर निकाली जो खुले आँखों की है, जो अपने शांतिवन में अभी हमने कुछ लोगों के घर में रखना चाहिए करके भी दिए। तो हम चाहते हैं 54 में बाबा साहब ये करते, कोई चीज़ को अगर दृश्य किए निश्चय किए तो वो काम कर सकते हैं। इससे बाबा साहब से हम इस चीज़ का एक संदेश ले सकते हैं। मैं खास करके जो स्टूडेंट लोग हैं बाबा साहब से प्रेरणा लेने वाले सीखने वाली बात है, पढ़ाई के लिए और काम करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। बाबा साहब बोला जाए क्रय शक्ति चपड़ आणि मनातून परिपूर्ण इच्छा असेल तो निश्चित यश जो होता है वो पदर में रहता है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। तो जिस तरह सर ने बताया कि कितनी सारी चीज़ें अभी वहाँ पर उसका निर्माण कार्य जारी भी है, किस तरह जो बच्चे हैं और जो भी वहाँ भिक्षु सभी आएंगे वो वहाँ पर उनकी रहने की भी व्यवस्था, काफ़ी सारे क्वार्टर्स भी बनाए जा रहे हैं, जिस तरह आपने देखा कैसा कार्य चल रहा है। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। अन्य खबरें देखने के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र TV24। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। इस फेस्टिवल में आप करना चाहते हैं कम से कम दाम में शॉपिंग और बनाना चाहते हैं अपने घर को नए फर्नीचर से और भी ज्यादा खूबसूरत, तो आज ही आए अजय इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल्स एंड फर्नीचर में, जहां आपको मिलेगा एलईडी के साथ एक होम थिएटर फ्री, वॉशिंग मशीन खरीदी पर आयरन फ्री, फ्रिज खरीदी पर मिक्सर फ्री, तो वही मोबाइल के साथ मिलेंगे वायरलेस हेडफोन फ्री। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर सोफा, बेड, अलमारी, सभी फर्नीचर पर मिलेगा धमाकेदार ऑफर, जहां आप कर सकते हैं सिर्फ 999 देकर खरीदी और हर खरीदी पर पाए एक स्पेशल ऑफर फ्री, 0% फाइनेंस, 0% डाउन पेमेंट, एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध। तो अब देर किस बात की, आज ही आए अजय इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल एंड फर्नीचर्स। हमारा पता तगमगल लेआउट नियर शीला कॉम्प्लेक्स के पीछे वाड़ी नागपुर। संपर्क करें 9370307162 या कॉल करें 9325344160। तो भूल ना जाना, अगर इस फेस्टिवल में आप करना चाहते हैं कम से कम दामों में शॉपिंग और बनाना चाहते हैं अपने घर को नए फर्नीचर से और भी ज्यादा खूबसूरत, तो आज भी आए अजय इलेक्ट्रॉनिक्स